वेलकम बैक। अब हमने अपने प्रोडक्ट्स को फेच कर देखना है कि हम उसको फेच किस तरह कर सकते हैं। तो क्विकली हम आते हैं वापस अपने इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हम दिस वन एंड यहाँ पर इंक्लूड स्लैश सॉरी, हम क्योंकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन लगाना है हमने, तो एक्शन स्लैश ECN डॉट PHP, यहाँ हम फॉर कनेक्शन ले रहे हैं और यहाँ पर आगे क्यूरी लगा रहे हैं। ओके, क्यूरी लगा के मैं यहाँ पर सेलेक्ट प्रेडिक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स के वेयर, नहीं वेयर लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पर क्विकली मैं रिजल्ट्स अनाउंस कर देता हूँ इज इक्वल टू माई SQLi क्यूरी। कांट रन क्यूरी, ठीक है। दिस वन, ठीक है ठीक। अब यहाँ पर भी हम रोज इज इक्वल टू माई SQLi हम रोज काउंट कर लेंगे कि भाई हम कितने नंबर ऑफ रोज ले सकते हैं, मतलब कि कितने नंबर ऑफ रोज हमें पीछे से आ रहे हैं। अगर जीरो है तो हम यहाँ पर कोई एरर शो करवा दें। उसके बाद नेक्स्ट हम वापस यहाँ आ जाते हैं दिस वन। यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ कि भाई इफ ओके रोज इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इफ इफ रो जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो ये ले यहाँ पर हमारी रोज फैच होना शुरू हो जाए। दिस वन ठीक है। नो रिकॉर्ड फाउंड येट, ठीक है। और यहाँ पर हम क्योंकि 1 2 3 4 5 हमारे पास कॉलम्स हैं तो मैं यहाँ पर कॉल स्पैन 5 कॉलम्स लगा देता हूँ, ठीक है। नाउ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अच्छा जी दिस वन प्रोडक्ट हमारी सेव है, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि वो ग्रेटर देन जीरो रिफ्रेश करने पे उसको मिल रहा है ना, जिस वजह से वो हमें वही प्रोसेस शो कर रहा है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर वाइल ये लगाता हूँ रोज इज इक्वल टू माई SQLi फैच अरे, और अरे के अंदर रिजल्ट, और इस रिजल्ट के अंदर दिस वन। अच्छा जी, अब वो कह रहा है, अच्छा जी यहाँ पर ना एक और प्रॉब्लम है, यह हमने रोज बनाई है ना तो टेक्निकली हम इसको रो कह देते हैं। लेट्स सी, वो देख रहे हैं प्रोडक्ट का हमारे नेम आ गया है। इसी तरह मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ प्राइस, और करेंसी साइन को फॉर द टाइम इसी तरह शो करवा देते हैं। ये देखिए ये आ गया। उसके बाद इसी तरह कैटेगरी एंड यू कैन सी ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से डेटाबेस से डाटा को डिलीट कर देता हूँ, यू कैन सी वो देखें नो प्रोडक्ट फाउंड येट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लास दे के टेक्स्ट सेंटर कर लेता हूँ, तो ये देखें ये बिल्कुल दरमियान में आ गया। मैं नया प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ दिस वन iPhone 16 प्रो
मैक्स, ओके दिस वन, दिस वन प्रोडक्ट को क्रिएट किया, प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, ये देखिए। अच्छा यहाँ पर हमारी पिक्चर नहीं शो हो रही है, पिक्चर भी शो करवानी है हमें, जाहिर सी बात है, तो मैं पिक्चर भी शो करवा रहा हूँ। यहाँ पर हमारी पिक्चर्स कहाँ पड़ी हैं? एक्शंस के अंदर, अपलोड्स के अंदर, रो है, और इस रो के अंदर मैं पिक्चर डालूंगा इमेज। लेट्स सी, ये पिक्चर आ गई। अब इसकी हाइट एंड विड्थ आप मैनुअली जो है ना कर लें। हाइट ठीक है जी, ये ले पिक्चर आ गई। मैं दोबारा एक नई पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। दिस वन, मैं कोई कोई प्रोडक्ट अपलोड कर देता हूँ मोहम्मद असद के नाम से। प्राइस भी कुछ भी डाल देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स ये मैंने क्रिएट किया, तो ये देखिए प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ऑर्डर बाय आईडी, असेंडिंग ऑर्डर भी कर लें, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑर्डर बाय आईडी असेंडिंग ऑर्डर अगर करना है तो यहाँ पर ऑर्डर बाय आईडी DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर, और अगर असेंडिंग ऑर्डर रखें तो सिंपल रख लें, हम डिसेंडिंग ऑर्डर ही रख रहे हैं, दैट्स इट। ओके सो आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने एडिट और डिलीट का फंक्शनैलिटी करनी है, एंड देन उसके बाद वी विल गो फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।